सो हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? तो गाइस जस्ट अभी जा रहा हूँ स्टूडियो पे। मैंने जस्ट नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह मस्त भी किया। वैसे नाचनी की भाकरी मम्मी ने बनाई थी, मम्मी भी अभी खा रही है। एंड देन अभी निकलते हैं। मॉम बाय। ये तो मी चल मॉम। सो अभी गणेश थोड़ा लेट आएगा क्योंकि उसका वैसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है उसकी मम्मी के लिए, तो वो जैसे थोड़ा तो लेट होगा शायद, देखते अभी। वो आया होगा तो अच्छी बात है। वैसे मैं तो वैसे ही 12 बजे निकल रहा हूँ। हाँ ये परफेक्ट है, चलो निकलते हैं। सो गाइस वन मोर टाइम, मास्क भूल गया, अभी मम्मी देगी। चल ये तो मैं फिलहाल जस्ट स्टूडियो पे आज स्टूडेंट लोग यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है कंटिन्यू। ये भाई वैसे भी कॉलिंग वगैरह उठा रहा है एंड देन यहाँ पे वैसे प्रैक्टिस होंगे। इनसाइड ऑलरेडी भी बहुत सारे स्टूडेंट है, 2 या 3 स्टूडेंट है वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा एक सीन हो गया गाइस, मैंने कल रात को वीडियो एडिट नहीं कर पाया। रीजन बता देता हूँ कि जो मैंने जो अपने फोन में और कैमरे में शूट किया था, कैमरे वाले जितने भी मेमोरीज थी वो सारे, मतलब जितने भी कंटेंट थे कल के वीडियोज वगैरह, वो सारे आ चुके एंड देन प्रॉपर चल भी रहे थे। बट मोबाइल के मैंने छोटे मोटे शॉट लिए थे, पर वो अचानक पता नहीं कल क्या हुआ और डायरेक्ट डिक्लाइन दिख रहा है हर वीडियो, तो इसकी वजह से सीन हो गया। तो आधे वीडियोस डायरेक्ट गायब हो गए। तो अभी कुछ ना कुछ, मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसके पास कुछ सॉफ्टवेयर है जो फिर से मोबाइल रिस्टोर कर सकता है, तो वो कर देंगे। फिलहाल मैं और एक दिखा देता हूँ। और एक टेंशन बढ़ गया गाइस मेरा। तो वह सीन ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो मैं अपने पीसी पे वर्क कर रहा हूँ, लैपटॉप पे कोई भी वीडियो मैं यहाँ से ले लूँ उसको प्ले भी करूंगा तो ये लैग हो रहा है, ऐसा अटक अटक ही चल रहा है। यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे कोई भी वीडियो लू, वही वीडियो या कहीं भी लू तो ये एकदम स्मूथ चल रहा है। तो अभी यहाँ पे मुझे करना पड़ रहा है रेगुलर, मैं हमेशा अपने लैपटॉप पे ही करता रहता वीडियो। 4K की वजह से वीडियो की क्वालिटी जो है वो 4K है, इसकी वजह से यहाँ पे वो इतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो अभी यहाँ पे करते है। फिलहाल अभी क्लाइंट फिलहाल कोई भी नहीं है, तो अभी बाहर सारे स्टूडेंट लोग अभी यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है। थोड़ा सा स्टार्ट नहीं हुआ, नाउ इट इज ओके। आपको पर्चा दूंगी। हाँ हमने YouTube, Insta, TikTok। कल मैंने रात को घर पे गया था, घर पे आके मम्मी से मिला, मम्मी पापा सबसे मिला। मिलने के बाद थोड़ा नवरात्रि में थोड़ा गरबा वरबा खेला, गरबा खेलने का थोड़ा मजा वजा करके अभी एक्चुअली सबरे मेरे को 11 बजे आने का था, मेरा अपॉइंटमेंट बुकिंग था। फिर मैं सर को कॉल बैक करके बोला सर थोड़ा मुझे लेट होगा, एक्चुअली मेरी छोटी वाली बहन थोड़ा बीमार है ना, फिर थोड़ा मैं दवाखाना गया था, दवाखाना से थोड़ा मुझे लेट हो गया। फिर फटाफट आके मैं आया स्टूडियो पे आया, टैटू तो कम्प्लीट हो चुका जस्ट, जाते थोड़ा खाना खाने का टाइम देखा, टाइमिंग में खाना पीना खाते थोड़ा सर कंटिन्यू एडिटिंग करते दिखा था आपको, जाके दिन में हार्ड वर्क करते रहते आपको तो पता होगा ना। जो सर एडिटिंग चालू है, वीडियो एडिटिंग चालू है। सर खाना खाने का भी आएंगे सर, सर खाना खाने वीडियो 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 एडिटिंग चल रही है गाइस। सर बोलना कवर पे सर आ जाओ ना। तो गाइस वन मोर टाइम टू जो, तो यहाँ पे अभी एक कवर अप करना है लॉर्ड गणेशा में। तो
तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना डार्क है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या बनाया था? यहाँ पे टाइगर और ये सन। ये टाइगर है? एक मिनट, कहाँ पे टाइगर है? वो वहाँ भी चला गया एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया चला गया। तो ये सन बनाया आपने? हाँ, तो ये वाला पार्ट क्या है? ए आर ओ वाला? वो उसने ही ऐसा बनाया, उसमें ऐसे ही था क्या? ठीक है, कहाँ से बनाया था? अंधेरी बनाया, अंधेरी में बनाया था। तो ये अच्छा नहीं लगा? नहीं। तो कहाँ पे देखते हो मेरा? वो यूट्यूब पे। तो कैसे प्लान कैसे हुआ टैटू का? मतलब ऐसे ही देख रहा था कि इसके ऊपर कुछ कवर अप होएगा क्या, तभी आपका मतलब दोस्त लोग ने भी यहाँ पे किया है। ओके, आपके दोस्त लोगों ने? हाँ। ओके, तो उसने रेफरेंस दिया कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ठीक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार रेफरेंस देखने दो मेरे को, क्या रेफरेंस? ओके, ये वाला गणेश श्याम। ओके, ये ऐसा आएगा, ठीक है। ये पीछे लॉर्ड गणेश, लॉर्ड शिवा कैसे? ओके, ये डबल स्टेंसिल है क्या? ओके ओके, समझा समझा। ओके, तो ये गणेश श्याम, रेफरेंस कहाँ पे हो? ओरिजिनल लेना सर। ओके, ये वाला ये आ जाएगा नॉर्मल, वैसे भी स्टोन में है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट, स्टार्ट करें। यस। भाई स्टार्ट करते सर की अपॉइंटमेंट लॉर्ड गणेश कवर अप टैटू, तो देखते कितना अच्छा आएगा। मैं अपना बेच दूंगा गाइस। सर कितना टाइम लगेगा तुमको टैटू के लिए? शुरुआत तो अभी की है ना सर, थोड़ा मेरे को कुछ शॉपिंग करने का सर। यार जाना शॉपिंग करके आना। अरे तुम खाली एक हफ्ते से सुन रहा हूँ मैं अभी से, यहाँ चप्पल बोल दो, दिलाओ दिलाओ दिलाओ, दिला नहीं सकते। बात कर रहे हैं नाक में? क्यों बात कर रहे हैं? तोतला हूँ। तोतला है तो मुँह से तोतला है ना, नाक से कहाँ तोतला है? नाक से तोतला नहीं, नाक तो मेरा बड़ा है, दिखाओ मैं। देखो गाइस, नाक तो मेरा बड़ा है, जानवर वापस लग रहा है भाई, दिख रहा है। मेरा भाई मेरे लिए चाय लेगा, दिपला हाथ पे रख। कितना बेचारा भी है, मासूम बच्चा दिखता है ये बेचारा। देखो ध्यान से देखिए, आँख की कमजोरी, बिना कांच वाला चश्मा, टैटू आर्टिस्ट बाय। बिना कांच वाला चश्मा टैटू आर्टिस्ट, हाँ बिना कांच वाला, कमेंट में करना बिना कांच वाला टैटू आर्टिस्ट। हाँ दिखाऊ, ये देख भाई कांच है, एक उंगली भी गुजरा, नाक के अंदर फोन लगा उसको, काल घर पे बोला। सर क्या है, महंगा है क्या? महंगा है, अरे रुकना सर, धक्का लग जाएगा। लाइट वाले लाइट ऑनमेंट कर, लाइट डाल दे सर, क्या पाजू भी नहीं है चालू सर। पकड़ भाई उसको, पकड़ सॉरी, समझ सकता है, निकल निकल, दिमाग मत का, निकल डायरेक्ट घर पे जा, अपनी गाड़ी उठा डायरेक्ट घर पे जा। दिमाग मत, दो तीन बार बोला क्लाइंट ने, सवेरे से वैसे परेशान कर रहे हैं, मेरा तकलीफ दे रहा है।
अंदर चलो अंदर चलो भाई अंदर जाओ। पाजी गाड़ी का चाबी दे ना। ए जैक तू बैठ ना। नहीं मैं क्या कर रहा हूं। रुक ना भाई। पाजी गाड़ी का चाबी दे। ए बैठ ना। जाओ रुक ना यार। बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। हर जगह मजाक नहीं होता। कितनी बार समझे उसको। हर जगह मजाक मजाक करता रहता है। ये कब तब से हो रहा है बोले। मैं जब से ब्लॉग वगैरह स्टार्ट किया उन लोगों को लगता है कि नॉर्मल है नॉर्मल है। ब्लॉग में मजाक मजाक के लिए यार क्लाइंट को डिस्टर्ब कर रहे हो। तकलीफ होती है क्लाइंट को। ये साफ सफाई पाजी साफ सफाई कर लो यार फटाफट। पूरा गीला गीला हो गया। कितनी बार बोला यार मत कर। कल भी वैसे वैसे ही किया था वो आंटी के साथ। ब्लॉक की वजह से ही हो रहा है। हंसी मजाक हंसी मजाक। इन लोगों को लगता है इसलिए मजाक मजाक मजाक। क्लाइंट सब क्लाइंट वैसे ही नहीं रहते ना। कभी कभी नॉर्मल क्लाइंट भी तो आते हैं। फनी क्लाइंट नहीं रहते। याद रख सब क्लाइंट को वैसे मत समझ। ये प्रैंक था। देखो सर को ही पूछो। सर प्रैंक था ऐसा कुछ मतलब। हम लोग ऐसा कभी क्लाइंट के साथ चीट नहीं करते नहीं गलत करते। जस्ट थोड़ा सा अलग पॉइंट के इसके वजह से और कुछ नहीं। बाकी सारा स्क्रिप्टेड था। आप लोग देख सकते मेरे क्लाइंट यहाँ पे भी बैठे। ये पुराने कस्टमर मेरे ओल्ड कस्टमर है। तो इन लोगों को प्रैंक था कि नहीं। हाँ ना जस्ट नॉर्मल फन बस और कुछ नहीं। ये तो असली का मारता था ना। घर पे आके बात करते मजाक मजाक में पूरा सेटअप खराब किया। देखो सेटअप खराब किया। ये क्या रहे हो पूरा खराब किया। देखो देख सकते हैं। ये सीरियस करते थे ना कुछ नहीं। गाड़ी का चाबी लेते सीधा घर का बिस्तर सो जाता। लेके सो जाता। हाँ बहुत बार हुआ है ऐसा। बहुत बार हुआ है। लाइन डर गया। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। मजा की मजा मजा नहीं भाई भाई। पिछले साल ये पाजी बन कर गया। हाँ ये रोहित वीडियो में जानता। गणेश भाई सर गणेश हाँ सर निकल निकल निकल। एक बेटा थैंक यू। हाय मजा कर। चल भाई साइडेज मार देना यार से। और साइडेज तो अच्छा लगता है जब बच्चे लोग आते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो कितना खुश है आजकल मैं जाता हूँ कि आप मेरे इधर बोलते हैं एक सेल्फी जो है सर। मतलब कितना प्राउड फील होता है ना सर। एकदम रियल है। एकदम रियल रियल एक्टिंग है। रियल एकदम फुल ऑन रियल। क्या फालतू की रही है आज। क्या भाई रोहित भाई कुछ है कि नहीं भाई। परसों बर्थडे है। बर्थडे है भाई का। यहाँ पे नहीं फार्म हाउस सर आपको पेन हो रहा है? नहीं। आप कहाँ से हो? पांडू। आपने कहाँ देखा हमारा वर्क? पहले टिकटॉक पे देखा सर को। ओके। उसके बाद यूट्यूब पे देखा। कभी से फॉलो करते हो सर को? सर को कम से कम एक साल हो गया।
गणेश फाइनली टैटू कंप्लीट, फाइनली कवर अप कंप्लीट, टेंशन चला जाएगा अभी। सर को भी दिखा देता हूँ कि कैसा हुआ कवर अप, आप लोग भी देख लो गाइस कि आफ्टर बिफोर, मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगा कि पुराना टैटू कैसा था, आप लोगों ने देख लिया एक बार तभी भी रिमाइंड कर देता हूँ आप लोगों को भी, तो आप लोग देख लो और मुझे सो बताना मुझे कमेंट सेशन में कि टैटू कैसा लग रहा है। तो फर्स्ट एक बार सर को दिखाता हूँ, सर एक बार चेक करना मेरा, मैं प्लीज रिक्वेस्ट। तो ये आप देख सकते हो गाइस एज ओवरऑल लुक, तो ये लग ही नहीं रहा है कवर अप। सर कैसा लगा टैटू सच्ची में बताना, दिल से बोलना। दो बार मैंने कवर अप किया लेकिन अनसक्सेस हुआ, अभी थर्ड टाइम अब यूट्यूब पे देखा, इसके लिए मैंने इधर आया, देख के बहुत अच्छा लगा। यू हैप्पी ना, मतलब चलो अच्छी बात है। सर कैसा लगा, सर के वैसे ही पार्टनर है सर, मतलब दोस्त है, कैसा लगा सच में? मेरे को तो सच में मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो गया। मतलब लगी नहीं मेरे को खुद को, सच में मेरे को खुद को भी नहीं लग रहा था, मेरे को लगा शायद हो जाए क्योंकि आपको वैसे भी गणेश चाहिए था और मैं क्या कर सकता हूँ, पर मैंने जितना हो सके शायद बप्पा ने हमें लग दिया। वही बोल रहा हूँ उसको कि बप्पा की कृपा इसके लिए हो गया शायद, वही भी हो सकता है कि बप्पा हमारे साथ थे इसकी वजह से इतना अच्छा टाटू हुआ, एकदम कितना इफेक्ट लग रहा है। एंड देन यहाँ पे भाई का गया, वैसे भाई का भी पोर्ट्रेट है गाइस, सुनिए डाटना ओके, ये वाला पोर्ट्रेट उसके भाई का फेस है। एंड देन यहाँ पे अभी स्टेंसिल अप्लाई कर चुका है रोहित भाई, को लगता है नाइट होने वाले क्योंकि उसका दो टैटू है, एक बैंड टैटू है एंड देन वन मोर एक डिजाइन है, तो वो आपको बाद में दिखा दूंगा, फिलहाल अभी क्या हुआ चलो गाइस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टैटू। गणेश भाई तुम भाई सुपरस्टार, गणेश भाई तुम सुपरस्टार हो गए थे ना, हम कैन छो आप लोग खुश तो हम भाई अभी स्टार्ट करते हैं जब न्यू टैटू, ये वाला पोर्ट्रेट है गाइस भाई का, मजा आने वाला है में मशीन। तो गाइस फाइनली टैटू कंप्लीट हो गया था, लास्ट अपॉइंटमेंट मेरी आज की एंड देन खत्म, अभी टेंशन नहीं, एक बार क्लीन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं वेरी स्मॉल फेस, एक अंगूठे इतना फेस है गाइस, सो आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक। सो ये जान लिखा है इसने क्योंकि इसका सगा भाई है, बड़ा भाई राइट, वाह भाई बर्थडे स्पेशल गिफ्ट है भाई के लिए, बड़े भाई के लिए, आप देख सकते हो। यू हैप्पी ना, अच्छा लगा टैटू? अच्छा लगा। ये टैटू रोहित भाई ने बनाया, आप देख सकते हैं छोटा सा कवर अप था यहाँ पे, तो पूरा व्हाइट से एकदम कवर कर लिया, अंदर मस्त लग रहा है ना, जो प्रॉपर मंत्रास वगैरह अंदर बैंड टैटू। सर कैसा लगा टैटू? एक नंबर। हैप्पी ना? यू मे हाई फाइव। तो गाइस फाइनली रोहित का भी टैटू कंप्लीट हो गया है, अंदर अभी गणेश भाई भी हो गया ना, तो आ जाना भाई, आ जा आ जा आ जा। सो गाइस आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया होगा तो प्लीज क्या गाइस जो आज का वीडियो था ना प्रैंक था, मतलब मस्ती कर रहे थे हम लोग, हमने मतलब पता आज आपस में मस्ती करते दूसरे को, सीरियस मत लेना मस्ती नहीं, हाँ सीरियस मत लेना, नहीं तो बोलो गणेश को आप बहुत मारते हो, गणेश को बात गणेश के साथ अत्याचार करते हो, गणेश को ये करते हो, गणेश को टिक्की मारते हो, तो भाई ऐसा मत लेना, हम एकदम मस्त दोस्ती वाली है, हम मतलब मजाक कर रिएक्शन में देख लिया, पर गाइस सच बोलू तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगा कि नहीं, हाँ मानते कि आप लोग बताओ कमेंट में कि रियलिस्टिक लगा कि नहीं, लगता कि नहीं रियल वाला लगा कि नहीं, पर सच्ची बोलूं तो ये पहले से हमने प्लान किया था कि यार, अरे आज पहली बार मैंने स्क्रिप्टेड बनाया गाइस, पहली बार स्क्रिप्टेड ये बनाया था हमने, वो वाला शॉट है गाइस, वो वाला सीन जो होता वही सीन हमने उसका फोन चल रहा है ओके, वही सीन हमने ना स्क्रिप्टेड बनाया था, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप लोगों को अच्छा लगा यहाँ तक वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, एक बार सब्सक्राइब जरूर करना सारे, लगता है कोरोना फंसा है इसके अंदर, कोरोना नहीं फंसा, पकड़ से नाक का बाल निकालने पड़ेगा। सो गाइस लव यू गाइस, जय शिवराज।